हेलो दोस्तों, एमकेन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें आपको डेडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर की जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो है कट ऑफ जो है इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी जो है हाल ही में जो है डेडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर ने नया रिक्वायरमेंट जारी किया है, तो इसीलिए दोस्तों ये जो कट ऑफ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर के पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ मार्क्स की। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, यानी कि दोस्तों अब जो 2021 में भर्ती आई है उसके लिए ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों आप इसके आधार पर जो है अपनी जो आगे की तैयारी है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें दिया हुआ है हाइएस्ट एंड लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ टोटल 120 मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन पैनल। यानी कि दोस्तों ये जो है मेन पैनल की जो है उसका कट ऑफ मार्क्स है ये, और दोस्तों ये जो है 120 में से ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पहला पोस्ट है ये है एग्जीक्यूटिव सिविल का। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 10/11/2018 को, और दोस्तों इसकी जो जनरल की जो कैटेगरी है उसमें जो हाइएस्ट मार्क्स इसमें रहा था वो रहा था 92.50, और इसका जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो रहा था 82.75। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला जो कैंडिडेट्स है वो मिला था 92.50 पर, और जो आखिरी जो कैंडिडेट्स मिला था वो मिला था 82.75 पे। यानी कि दोस्तों इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो तो ये है, और जो इसका लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो ये है। फिर अगला है दोस्तों, इसमें जो एससी का जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों जो हाईएस्ट मार्क्स है वो गया था इसमें 80.50 पे, और जो इसका लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 76 पर। फिर दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसमें जो हाईएस्ट है वो 80.25 पे गया था, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 77.75 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो ओबीसी है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, उसमें दोस्तों हाईएस्ट जो मार्क्स है वो गए थे 82.75 पे, और जो लोवेस्ट है वो 80.50 पे गया था। और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो 79.25 पे गया था, वहीं दोस्तों जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 59.50 पर। फिर है दोस्तों इसमें जो पीडब्ल्यू कैटेगरी है उसमें आप दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो कट ऑफ मार्क्स है हाई वो गया था 73.50 यानी कि 73.50 पे, और जो इसका लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो गया था 56.25 पर। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स था वो था एग्जीक्यूटिव सिविल का। और दोस्तों अब जो इसका जो अगला है यानी कि अगली जो पोस्ट है उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देखोगे कि ये जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, और इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 11/11/2018 को, यानी कि दोस्तों ये दोनों एग्जाम अलग अलग दिन हुए थे। तो दोस्तों इसमें जो जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है हाईएस्ट वो गया था दोस्तों 106.50 पर, ये आउट ऑफ 120 में से दोस्तों गया है, और दोस्तों जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 102.50 पे गया था। और दोस्तों जो एससी का जो है वो गया था दोस्तों हाईएस्ट 97.50 पर, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो 92.50 पे गया था। और दोस्तों जो एसटी का है वो रहा था इसमें हाईएस्ट 97.75, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो रहा था 95.75 पर। फिर दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी का था वो हाईएस्ट रहा था 102.50 पे, और जो लोवेस्ट है वो रहा था 101.25 पर। और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है वो रहा था हाईएस्ट 87.25 पर, और दोस्तों जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो रहा था इसका 71 पे। वही दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उसमें दोस्तों हाईएस्ट रहा था 81.50 पे, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो रहा था 81.50 पर। यानी कि दोस्तों इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों ही समान रहे थे, यानी कि दोस्तों इस एक ही कट ऑफ मार्क्स पे जो है इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो मिल गए थे। अब दोस्तों इसका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 11/11/2018 को, और दोस्तों इसका जो जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है हाईएस्ट वो गया था 86.25 पर, और दोस्तों इसका जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 49 पे, और एससी कैटेगरी का दोस्तों हाईएस्ट गया था 49 पे, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 43.75 पे। फिर दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसमें दोस्तों हाईएस्ट गया था 46 पॉइंट पर, और दोस्तों जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 39.75 पर। वही दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट गया था 52.75 पर, जो लोवेस्ट है वो गया था 45.25 पर। फिर दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उसका गया था हाईएस्ट पे 52.75 पे, और लोवेस्ट गया था इसका दोस्तों 36.25 पर। इसके अलावा दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 46.25 पर, और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो गया था 38 पे। तो दोस्तों इन कट ऑफ मार्क्स से आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी कम गया था। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, और दोस्तों इन कट ऑफ मार्क्स के जरिए आपके लिए आगे की जो तैयारी है वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जो अगला है वो देख लेते हैं। इसमें जो एग्जीक्यूटिव एसएनटी है
यानी कि जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसका देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो भी आप देख सकते हो कि ये भी 11/11/2018 को हुआ था। और दोस्तों इसकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो जो है 77.75 पे गया था, यानी कि 77.75 पे। और दोस्तों इसका जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे देख सकते हो वो है 68.25 पे इसका गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसमें जो हाईएस्ट जो कट ऑफ मार्क्स है वो 67.75 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों इसका जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 56.75 पे। और जो एसटी कैटेगरी है उसमें दोस्तों हाईएस्ट रहा था 60.50 पे और लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स रहा था 51.25 पर। इसके अलावा दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो रहा था 68.25 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो रहा था 65.25 पर। फिर दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उसका रहा था हाईएस्ट जो कट ऑफ मार्क्स है वो 50 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो रहा था 37.50 पर। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है दोस्तों उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो रहा था 50.25 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो रहा था 34.50 पे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि इसमें जो है लगभग जो है 25,143 जो कैंडिडेट है वो तो रजिस्टर्ड हुए थे, यानी कि 25,143 कैंडिडेट्स ने एग्जीक्यूटिव एसएनटी का जो है फॉर्म भरा था, लेकिन दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो 15,612 कैंडिडेट्स ने ही दिया था। तो दोस्तों एक ये भी आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि इसमें जो है कैंडिडेट्स की जो है संख्या दी गई है, यानी कि दोस्तों इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम है, तो आपके लिए जो तैयारी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसी तरह जो है इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और कितनों ने जो है एग्ज़ाम दिया था, यानी कि दोस्तों हर कैटेगरी में ये जो है बताया गया है कि कितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। इसी तरह आप इसमें भी आप ये देख सकते हो कि जो कितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है इसमें फॉर्म फिलअप किया है और कितनों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए दोस्तों जो अगली कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो देख लेते हैं कि उसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रहा था। तो दोस्तों इसमें अब आ गया है पोस्ट एग्जीक्यूटिव यानी कि ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का, लेकिन दोस्तों इस बार जो है स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का जो है इसमें वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसका जो कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 10/11/2018 को। और दोस्तों ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो फिजिको टेस्ट के लिए है, यानी कि दोस्तों पहला एग्ज़ाम पास करने के बाद में ये जो कट ऑफ मार्क्स आया था वो दिखाया गया है। अब इसके बाद में जो स्टेशन मास्टर का जो फिजिको टेस्ट होता है यानी कि साइको का, उसमें जो है इन कैंडिडेट्स ने जो है आगे वो गए थे। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर कंट्रोलर है उसमें दोस्तों 46,472 जो अभ्यर्थी है उन्होंने फॉर्म भरा था और 26,603 अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों काफ़ी कम जो अभ्यर्थी है उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए अब की बार दोस्तों आप इसकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से करके जाएँ। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसका जो जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स हाईएस्ट वो गया था 98.75 पे और जो लोवेस्ट है वो गया था 73.50 पे। फिर दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसमें जो है 77.25 पे हाईएस्ट गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 63.75 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसमें जो इसका हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 72.50 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो गया था 62.25 पर। और दोस्तों जो इसका ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 85.75 पे और वहीं जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है ओबीसी का वो गया था 68.75 पे। और दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उन अभ्यर्थियों का गया था हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स वो गया था 82.50 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स वो गया था 51.75 पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी कम जो है इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो गया है, लेकिन दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको आउट ऑफ 120 में से बताया गया है, यानी कि 120 नंबर का जो ये हुआ था उसमें से आपको ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो बताए गए हैं। अब दोस्तों इसका जो अगला है पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 13/11/2018 को, यानी कि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो भी अलग दिन हुआ था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो है लगभग 4,115 जो अभ्यर्थी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और 2,669 जो अभ्यर्थी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो देख लेते हैं, वो है दोस्तों जनरल का हाईएस्ट जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 84.25 और लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स वो था 58.75। वहीं दोस्तों जो एससी का है वो है 57.75 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 53.50 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसका जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 56.75 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 48.75 पर। वहीं दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 58.75 पे और दोस्तों जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 56.25 पर। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उसका गया था दोस्तों 64.75 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो गया था 38.25
75 पे। वहीं दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें जो है हाईएस्ट गया था 48.25 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 37.00 पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो है काफ़ी कम कट ऑफ मार्क्स गया हुआ है। और दोस्तों ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यानी कि दोस्तों ये जो पोस्ट हैं वो आईटीआई की पोस्टें हैं। तो आईटीआई की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो अब है दोस्तों अगला जो इसमें जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी है, यानी कि दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई वाले हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं 13/11/2018 को हुआ था और इसमें दोस्तों लगभग 1000 अभ्यर्थियों ने ही क्या किया था, फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम दिया था दोस्तों 568 अभ्यर्थियों ने। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ साबित होगी क्योंकि 1000 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरा और 568 ने ही क्या दिया है एग्ज़ाम। तो दोस्तों जो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है जिस भी अभ्यर्थी ने उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब है दोस्तों इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो देख लेते हैं। तो जनरल का जो दोस्तों इसका कट ऑफ मार्क्स है वो गया था 92.50 पे और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो गया था इसका 62.50 पे। वहीं दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट गया था 63.75 पे और जो लोवेस्ट है वो गया था 57.50 पर। वहीं दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसमें 56.245 पे हाईएस्ट गया था और जो लोवेस्ट है वो 48.75 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उसका हाईएस्ट गया था 74.25 पे और जो लोवेस्ट है वो गया था 54.25 पर। वहीं दोस्तों जो एक्स सर्विस मैन है उसका गया था हाईएस्ट 83 पे और जो लोवेस्ट वो गया था 59.75 पे। और इसके अलावा दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें किसी भी अभ्यर्थी ने जो है इसमें जो है ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं किया था। तो दोस्तों ये तो था जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी का और दोस्तों इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने जो है इसमें एग्ज़ाम दिया था। हालांकि दोस्तों इस बार भी जो है काफ़ी कम जो है फॉर्म फिलअप होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये जो डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर है उसने अब की बार भी जो है मिनिमम 60% का जो है क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का वो रखा है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे आईटीआई का। तो इसीलिए दोस्तों अब की बार भी जो है एग्ज़ाम फॉर्म है वो काफ़ी कम भरने वाले हैं। अब है दोस्तों इसका जो अगला है, यानी कि जो पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ है जिसमें दोस्तों सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी और ऑपरेटिंग है, इन सभी का है। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो देख सकते हो आप ही, वो है दोस्तों 10/11/2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और दोस्तों ये फिजिकल इफिशियंसी के लिए जो ये जो है कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किए गए थे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 29,863 अभ्यर्थियों ने इसमें जो है फॉर्म फिलअप किया था और लगभग 19,899 जो अभ्यर्थी है उन्होंने इसमें जो है एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों इसमें एक ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम भरते हैं उसके आधे ही इसमें क्या है एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देगा उससे मेरा यही कहना है कि वो काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाए क्योंकि दोस्तों कम जो कट ऑफ मार्क्स है उस पर ही उसका जो सिलेक्शन है वो होने के पूरे चांस है। अब दोस्तों इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो देख लेते हैं कि जनरल में जो है दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 81.25 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो 48 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एससी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट जो कट ऑफ मार्क्स है वो 56.75 पे गया था और जो इसका लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो गया था 40.75 पे। इसकी जो एसटी कैटेगरी है दोस्तों उसमें हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 71.50 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 41.25 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 63.50 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 39.50 पे गया था। वहीं दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 63.50 पे गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो 33.75 पे गया था। इसके अलावा दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें 47.50 पे इसका जो है हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स गया था और जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो 41 पे गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कैटेगरी में जो है सबसे कम जो है कट ऑफ मार्क्स गया है। तो इसलिए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और काफ़ी मजबूत तैयारी करके जाएं ताकि आपका जो सिलेक्शन वो पहले ही प्रयास में हो जाए। तो दोस्तों अब आगे है इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि जो कुछ है यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल के लिए 40% रहेगा, एससी और ओबीसी के लिए 30% रहेगा और एसटी के लिए 25% रहेगा। तो दोस्तों ये जो है अगर कि कोई अभ्यर्थी अगर मान लो इसको क्वालिफाई करता है तो उसका जो है इसमें जो है सिलेक्शन होने का जो है पूरा चांस होता है क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो काफ़ी कम है कट ऑफ मार्क्स जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा और उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आपको और देखना है तो एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।